अगर आप अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो, डिप्रेस हो और आपको ये लगता है कि आप अपनी लाइफ में हार जाओगे या हार चुके हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो अपना करियर स्टार्ट करने से पहले खत्म कर देते हैं, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां इतनी सर पे पड़ जाती है कि या तो वो आइसक्रीम के ठेले पे या फिर किसी फल के ठेले पे या फिर किसी भी ऐसी जगह पे काम करते हैं जो कि शायद उनको उनकी रियल वर्थ नहीं देती है। ये सिर्फ वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में, उनको ये फील हो गया है कि शायद मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि आपकी एज 25-26 हो जाती है और आपको ये फील होता है कि यार अब शायद लाइफ में वो कुछ नहीं हो पाएगा जो मैं सोचा करता था। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं रोहित कुमार वैश आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक और वीडियो लेकर के, जिसमें आज आपको अपनी लाइफ के सही मायने पता लगेंगे। क्योंकि यार दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ना, ये हर किसी के साथ होता है और ये हर किसी के साथ एग्जाम्पल हुआ होता है, तभी वो अपनी चीजों को समझ करके आपको राय देता है कई बार। और ये जो वीडियो है ना, मैं ऐसे ही नहीं बना रहा हूं, मैं कम से कम 50 से 60 ऐसे लोगों के पास पर्सनली गया हूं जिनकी मजबूरियां इतनी बड़ी थी कि वो अपने आइसक्रीम की ठेली पे आज की डेट में 2024 के अंदर 200-300 रुपए के हिसाब से पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं, जिनका अगर पूरे महीने का भी देखा जाए तो 7-8 हजार रुपए भी ढंग से नहीं हो पाता है। तो उन लोगों से बात करके ये पता लगा या उनसे समझ के पता लगा कि यार आप कर क्या रहे हो। किसी ने मुझे ये बताया कि यार मेरे घर में मेरे फादर नहीं है, किसी ने बताया मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है, किसी ने बताया कि पापा काम नहीं करते, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते तो मैं इसलिए काम कर रहा हूं। तो अलग अलग तरीके की परेशानियां बताई। अब उन लोगों को सिर्फ 5 चीजें समझनी है। सबसे पहले, आप किसी भी परेशानी के अंदर, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आए, बट अगर आपने इन 5 पॉइंटों पे ध्यान दिया तो आप चाहे भीख भी मांग रहे होगे ना, उसके बावजूद भी आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा कुछ कर लोगे कि आपको कभी भी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली चीज, आप किसी भी सिचुएशन में हो, अपने आप को स्टे पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव रखो और हमेशा ये सोचो, थोड़ा सा आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, 10वीं हो, 12वीं हो या फिर आपने पढ़ाई नहीं की, बस सिर्फ आपको ये चीज समझनी है कि आज जिस भी सिचुएशन के अंदर मैं हूं तो इसकी कोई ना कोई ऐसी वजह होगी जो मुझे अच्छे मुकाम पे पहुंचाएगी। हो सकता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, हो सकता है कि मेरे बस की ना हो कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन आपको अपने माइंड में एक पॉजिटिविटी क्रिएट रखनी है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो कि यार मेरे को मेरी लाइफ में कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा लेकिन मैं फिर भी क्यों पॉजिटिव हूँ। आपको ये रखना है कि बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा, बस अभी जो काम कर रहा है उस पर ध्यान दे और समय रहते रहते आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट, जब भी आप ऐसी किसी स्थिति में हो जहाँ पे आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और आप अपने करियर में कुछ अच्छा करने की बजाय ऐसी स्टेज पे आ गए हो जहाँ पे आपको काम करना पड़ रहा है, जहाँ पे आपको अर्निंग देनी पड़ रही है, उस केस में आपको ध्यान रखना है कि अब पूरे 24 घंटे में से 2 घंटा ऐसा अपने लिए निकालना है जिसमें आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे। अब इन्वेस्ट कैसे हो सकता है? आप पढ़े लिखे नहीं हो, कोई बात नहीं, आप आज की डेट में यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप हर तरीके की नॉलेज ले सकते हो। आप यूट्यूब के ऊपर लिखना नहीं जानते हो ना, पढ़ना नहीं जानते हो, माइक का ऑप्शन आता साइड में, उसको दबा करके बोलो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं फिर भी मैं कैसे कमाऊं। आपको 100, 200, 1000, 2000, 5000 ऐसे तरीके मिल जाएंगे जो आपकी लाइफ को पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपको अपने ऊपर 2 घंटा पूरे दिन का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको और भी ज्यादा चीजें नहीं समझ में आ रही, बीच में मैं आपको बोल रहा हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी परेशानी डालिए कि आप किस परेशानी में और कैसे आप सॉल्यूशन मांगते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ भी आप काम कर रहे हो, चाहे मोची हो, चाहे आप सैलून में काम कर रहे हो, चाहे आप आइसक्रीम बेच रहे हो, चाहे फल बेच रहे हो, बस आप ये देखो कि इस काम के साथ साथ ऐसा कौन सा काम है जो मैं कर सकता हूं जिसकी बदौलत मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज और एक्स्ट्रा इनकम ले सकता हूं। आपकी अगर ये सोच स्टार्ट हो जाएगी तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ फील होगा। फिफ्थ पॉइंट, फालतू का टाइम खराब करना बंद कर दें। आपको करंट सिचुएशन के साथ एडजस्ट नहीं करना है। आज अगर मैं
1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए में कमा रहा हूं ना, तब भी मैं अपने टाइम के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे उस मुकाम पे पहुंचना है जिसके लिए मैं बना हूं। तो अपने आप को सिर्फ यही चीज रखनी है, 5 चीजें आपको अपने मन में रखनी है, और आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप अपनी लाइफ में पूरे और हर हाल में सक्सेसफुल हो गए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, कि हर दिन मैं आपके लिए कोई ना कोई एक वीडियो ऐसी मोटिवेशन लाता हूँ जो कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं काम करे।